सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले। मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे, एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं, तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम, सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज़ नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है, लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है, सुन लो। मौत की तकलीफ क्या है, अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबू लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पर रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए, तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी, उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूं, शराब की नशिस्तों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूं, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर जिना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूं। मेरे भाइयों, गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है, मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह तआला कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए, तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी, वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पे पत्थर लग जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए, तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इतनी सी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अमर इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त तो उगा दिया जाए, और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो, और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त तो उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त तो उसके
उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरीयानों की कैफियत क्या होगी। अमर इब्ने आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट पे उगा कर कोई नीचे से खींच रहा है, ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़र्ब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा ना सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में देखी, कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं, कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की पैर की चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर ना कर सके, तड़प ना सके, बेचैन ना हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान ले तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीबियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहें। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दें, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की फरमाते सूरह यासीन पढ़ो। अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाएं। और फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर, तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो। कुरान का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो, कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम ए बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो काम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो काम अल्लाह अकबर जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे कैसर व किसरा के ताजदार बन गए। कैसर व किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ 3वें 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ
उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफ़ा पढ़ो। और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल फाजिल फखरुल मासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खज़ाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पर लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले उसको अपने दिल में बंद करके देख, कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाल्लाह जब दुश्मन मगलूब होगा आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो, सबकी किताबें पढ़ने वालों रब की किताब पढ़ के देखो, सबकी किताबों पे दिल देने वालों रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में तिलावत ना हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब पपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले, एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्ने अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है, ए जवानों अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है, कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खत्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया, हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह, तो फैल इब्ने अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते, मक्के के वो दुश्मन वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है अल्लाह अकबर उस बदमाशी में अबू जहल का है, ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पर कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है
माज अल्लाह वो जादूगर है, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तू उन्हें भी करीब न जाना वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा किया, हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने जमीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान है जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं? व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं? फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? और कुरान कितने लोग पढ़ते? सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन ले, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा, वो दुनिया की कोई चीज देख पाता है? और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूँ, अंधे उठोगे कुरान ना पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला? डॉक्टर बनने का टाइम मिला? इंजीनियर बनने का टाइम मिला? वकील बनने का टाइम मिला? व्हाट्सएप सीखा? बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे, अच्छा ना है, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर दो चार मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते क्योंकि कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते, हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा करी है एकदम, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है मोबाइल में, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था, गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए उस दिन हमारे लिए इंकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो, और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो, और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह के सब की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी, जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से जौक पैदा करो, और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा, आज नहीं आता आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह का कलाम क्या चीज, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ,
जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, ऐरे गैरे से नहीं पढ़ाना, जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना। क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, तो कुरान पढ़ाने के लिए अगर लाखों करना पड़े तो लाखों खर्चा करो। मैं उन मदारिस को सलाम करता हूं जो इखलास के साथ कुरान की खिदमत कर रहे हैं, उन उलमा की अजमत को सलाम करते हैं जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, दुश्मन ने गलत प्रोपेगेंडा किया अबू जहल ने, तुफैल इतने उससे मुतासिर हो गए, कानों में रुई ठोस ली, रुई डाल ली कान में। तवज्जो करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सरों पर है मुसलमान जवानों। कानों में रुई डाल ली उसने तुफैल ने, और उसके बाद सोचा कि हुजूर की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, मैं मिलूंगा भी नहीं, उनकी बात सुनूंगा भी नहीं। कहते हैं तुफैल, आखिरी रात आ गई, अब मुझे, चूंकि मैं मक्का तिजारत के लिए आया था, आखिरी रात आ गई, मुझे मक्के से जाना कहां था, अपने वतन। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी तो घर में सो रहे होंगे, चलो चलकर आधी रात के बाद काबे का तवाफ कर लेते हैं। काबे का तवाफ और हज वगैरह इस्लाम से पहले भी लोग जो मुसलमान नहीं थे मक्के वाले वो भी करते थे, आसपास वाले भी करते थे। तो मैं काबे का तवाफ कर लूं, तो तवाफ काबा के लिए जब मैंने मताफ पे कदम रखा तो तुफैल कहते हैं, अब मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश करने लगा हूं। तुफैल कहते हैं कि चांदनी रात थी, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी, मैं अपने अल्फाज के जाएं बतौर मफहूम पेश कर, चांद की दूध या रोशनी मताफ की जमीन को मुजयन कर रही थी, और गिलाफे काबा से छीन छन छन कर अनवारो तजल्लियात निकल कर कुलूब व अजहान को मुनव्वर कर रहे थे। ऐसे में एक दिलकश सी आवाज, एक सुरहली सी आवाज, उस आवाज का क्या कहना जिसे लहने दाऊदी भी रश्क की निगाह से देखे। हाय हाय वो आवाज, लहने दाऊदी को रश्क की निगाह से देखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब दाऊद जबूर पढ़ते हैं, तवज्जो करें, दाऊद जबूर पढ़ें तो दाऊद की जबूर सुनने के लिए परिंदे ठहर जाएं, हवा रुक जाए, पानी बहना बंद हो जाए, ये दाऊद की तासीर अलैह सलाम। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज निकले तो खाली के कायनात, खल्ला के कायनात, कायनात को पैदा करने वाला खुदावंदे कुद्दूस उस आवाज का मुश्ताक है, मुश्ताक अल्लाह अकबर। इसीलिए तो देखें उनके चेहरे का भी इश्तियाक है और उनकी आवाज का भी इश्तियाक है और उनकी मुलाकात का भी इश्तियाक है। इसीलिए तो कुरान में जगह जगह है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हो अल्लाहु अहद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, जगह जगह कुल क्यों है, यानी महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे, या अल्लाह पाक कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे, ये आपसे क्यों सुनना चाहता है तू। तो उस्तादे ज़मान बड़े खूबसूरत लबो लहजे में इसकी उकता कुशाई करते हैं और कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तुफैल कहते हैं खूबसूरत सी आवाज मेरे कानों में आ गई, मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है तो आवाज वाला कितना खूबसूरत होगा, आवाज वाले का अंदाज क्या होगा, आवाज खूबसूरत, कलाम खूबसूरत, उसका चेहरा भी तो देखें। तुफैल कहते हैं मैं बेताब हो गया, मैं बेकरार हो गया, अपने आप पे काबू न रख सका और मैं दौड़ करके गया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर ही थे जो नमाज में तिलावत कर रहे थे और मेरे कान उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा ये शायरी भी नहीं, यानी नज्म भी नहीं, ये नसर भी नहीं, ना नज्म है ना नसर है, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, नज्म कहें तो कैसे कहें, नसर कहें तो कैसे कहें, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बंदे के कलाम की ये शान है तो उसके बनाने वाले खुदा की शान का
आलम क्या होगा, आप देखते चले जाएं। इसका कोई जवाब है, वह तील वह जैतून वह तोर सीनीन वह हाजल बलदिल अमीन, यहाँ रदीफ और काफिये की सारी रानाइयां कुर्बान हो रही है। अल्लाह अल्लाह आए कहाँ से लाए कलाम, वह तील वह जैतून वह तोर सीनीन वह हाजल बलदिल अमीन, लकद खलकन الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى। ये रानाइया तो देखे, करोड़ों लतीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में सवा नहीं रही बल्कि जिस्म में जान। लाओ रदीफ और काफिये की ये रानाइया, लेकिन हम उसको रदीफ कहते हैं ना काफिया कहते हैं। कुरान की रानाइयां क्या है, अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह इख्तिसार देखें तो यहाँ तक, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इख्तिसार की इंतहा है। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु वामिलुस सालिहात वतवासो बिल हक वतवासो बिस। अल्लाह अल्लाह, और माने का हाल ये, तवज्जो करें, किसी के कलाम में इतने माना नहीं। तवज्जो है आपकी, जिसके रब के कलाम में माना। कुरान का नुजूल बंद हो गया, कुरान का नुजूल बंद हो गया, माने का नुजूल आज भी गुलामों के दिल पे हो रहा है। ऐसे ऐसे माना, जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम हय्यो कय्यूम का। एक मरतबा सुना दूं आपको, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लोग माना ढूंढते ढूंढते थके, अलग अलग माना, रोज नया माना, कोई बन के तो देखे उस डर का गुलाम। एक बार हजरत उबै बिन काब ने तिलावत की, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। पूछा का इसका मतलब क्या है, मतलब तो बहुत थे उस दिन बयान ये किया। वल असर जमाना मुराद महबूब का जमाना है। वल असर आसर, आसर इससे नमाज असर भी है, वक्त असर भी है, लेकिन मेरे इमाम ने इसका तर्जुमा कहीं तफसीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर ये लिया, जमाने महबूब की कसम। वल असर का मतलब महबूब तेरे जमाने की कसम, क्यों, इसलिए कि सारे जमानों से बेहतर जमाना महबूब तुम्हारा जमाना। खैरुल कुरूनी करनी, खैरुल कुरूनी करनी, आका फरमाते खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। तो लोगों ने कहा करनी से क्या मुराद, मतलब मेरे जमाने से क्या मुराद। तवज्जो है आपकी, आशिक किसी तरह की बातें करते हैं, करनी से क्या मुराद, करनी से क्या मुराद। हुजूर का विसाल हो क्या, जमाना खत्म का नहीं, जब तक खिलाफत राशिदा कायम रही हुजूर का जाहिरी जमाना मौजूद रहा, क्योंकि हुजूर ने आसरी नहीं फरमाया बल्कि करनी फरमाया, क्योंकि आसरी कहते तो भी काम हो जाता, करनी क्यों फरमाया, करनी करनी करनी, जिसमें काफ है, रा है, नून है, या है, मतलब इसमें भी चार हरूफ हैं। करनी बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, तो करनी का मतलब क्या, तो उस शाख कहते हैं, उस शाख कहते हैं काफ से मुराद, तवज्जो करें, उस शाख कहते हैं काफ से मुराद, ये सिद्दीक की काफ है, करनी में काफ सिद्दीक की काफ है, रा उमर की रा है, नून उस्मान की नून है, या अली की या है, मतलब बताया अबू बकर उमर उस्मान के जमाने को मुझसे जुदा करने की कोशिश न करना, चार यारों का जमाना भी मेरा जमाना। करनी, अब जिनको खिलाफत राशिदा समझ में नहीं आती वो कोई और रास्ता ढूंढ ले, चार यारों के बगैर किसी का ना गुजर है ना किसी का बसर है, इसलिए कि जो
वही मुस्तफा जान रहमत के प्यार वाला है, जो चार यार वाला है, वही सच्चा अहले बैत वाला है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। करनी पहले अबू बकर का काफ लाया गया, पता चला पहला जमाना अबू बकर सिद्दीक का हो। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था, वल आसर जमाने महबूब की कसम, और फिर इन्नल इंसान लफी खुसर, तो मेरे आका ने फरमाया इससे मुराद अबू जहल है। तवज्जो करें कुरान की दस, और भी तफासिर है। ये जो मैं जहां से पढ़ रहा हूँ ये अल्लामा मोमिन सबलंजी से पढ़ रहा हूँ उनके हवाले से। हाँ, थोड़ा सा हवाला भी मैं आपसे पेश कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कहाँ से कह गए, तो जहां से कह गए इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आपको किताब मिलेगी। इन्नल इंसान लफी खुसर, फरमाया इंसान खसारे में हो तो सब खसारे में जो भी उस जमात के हैं, लेकिन उसमें फरमाया अबू जहल इसमें पहले नंबर पर है। मैं फिर क्या कहा, इन्नल्लदीना आमनू जो ईमान लाए का इससे अबू बकर सिद्दीक है, वामिलुस सालिहात का इससे उमर मुराद है, वतवासो बिल हक इससे उस्मान मुराद है, वतवासो बिस सब्र इससे सैयदुस सादात अली के मुर्तजा मुराद। चार यार की शान कुरान यूं बयान। लोग कहते हैं कुरान में काहे चार यार, हम कहते हैं कुरान में रसूलुल्लाह ने बयान। और अल्लामा मोमिन शबलंजी कहते हैं कि जो ये किताब में मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मैंने अहले बैत के लिए खालिस की है। बहरहाल अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था, तो कुरान का माना आज भी नाजिल हो रहा है। तो हजरत तुफैल कहते हैं मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज चेहरा कैसा होगा, देखा तो चेहरा कैसा था बताऊं, आफा कहा गर्दीदा बहरे बुता वर्जीदम। अल्लाह इमाम खुसरो कहते हैं सरकार महबूब इलाही के खलीफा तूतिये हिंद मलिक शोरा कहते हैं आफा का गर्दीदम मेरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम लेकिन तू चीजे दीगरी परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुख सारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बुदम। और बरेली का ताजदार कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है के दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जाफिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी वो मली है दिलारा हमारा नबी सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल ये शान है। बहरहाल मैंने कहा था वक्त ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन बहरहाल हदें टूट रही है मैं समेटता हूं अपनी बात को। अल्लाह अल्लाह तो फैलने कहा ये शान ये अंदाज ये अदाएं अल्लाह अल्लाह नमाज मुकम्मल हुई। आप कौन है दिल तो छीन लिया दिल आप कौन है मुस्कुरा के कहा हाय हाय अदाएं दिल रुबाना तो देखें गुफ्तगू का अंदाज तो देखें कोई इनको सुनकर बात करना सीखे तो जमाना खरीद ले जमाना खरीद ले। अगर इनकी गुफ्तगू सुनता ना अजीज मिस्र तो यूसुफ का खरीदने वाला खुद यहां बिक जाता। इनको देख लेती ना मिस्र की औरतें तो उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों पे छुरियां फेर लेते। ये कैसे थे और कैसे हैं और क्या हैं इसको मौलाना जमीलुर रहमान के दो मिसरे पे किस्सा मुकम्मल करता हूं। कहते हैं क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा अल्लाह भी तालिब दीदार तुम्हारा और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा क्या हुस्न
है, क्या जमाल है। जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर, तवज्जो करें, जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर तो कुरान वल्लैल का तर्जुमा बन, कुरान मुकद्दस वल्लैल गुनगुनाने लगे। और जब जुल्फे सवर कर पीछे चली जाए तो कुरान वद्दुहा कहते हुए नजर आए। अगर खिराम नास करें मक्के की गलियों में तो कुरान कहे ला उक्सु बिहाजल बलद, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे बाकी हुरमत पे लाखों सलाम। हाय 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 अल्लाह अकबर। हाल ये है अगर मुस्कुरा दे तो वह नज्म की तफसीर बन जाए, अगर जुल्फे बिखर जाए कुरान की आयतों की तफसीर हो जाए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरुयत गेसुए कुरान तफसीर कुरान गेसुयत, आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गेसुयत, रोए तो कुरान मा इमा तुई कहते हैं आपकी भवे आपकी अबरू, आपकी अबरू कुरान की आयतें हैं मेरे लिए तो, और आपकी जुल्फे तफसीर कुरान की, और कहते रूए तो कुरान मा मेरा कुरान तो आपका चेहरा है, ईमा तुई आप ही ईमान है, आप ही ईमान है। और बरेली से अब्दुल रहमान जामी का तर्जुमा यूं होता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान है इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लकबद्रुन फिल वजहिल अजमल हत हाले माजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कौन है आप कौन है, तो कहा मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ। भैया बैठो थोड़ा टाइम बचा लो, सर्दी का ख्याल करो, लोगों की ज़रूरत का ख्याल, अल्लाह उम्र दराज दे आपको, थोड़ा नारे से थोड़ा टाइम मेरा बचे, कोई नारे से मुझे इख्तलाफ नहीं, हुदूद शरा में रह के जो लगाओ लगा सकते, लेकिन मेरा टाइम बचा लो, जल्दी ख़त्म करना है, बहुत देर से बैठे। हाँ बहुत सारे लोग अपनी हाजतों को रोक बैठे हैं और वो इस इंतज़ार में है कि बयान मुकम्मल हो तो उठ, ये मेरी कौम की वफादारी की इंतहा है, मेरे दिल की गहरा, आप ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है हमारी कौम की वफा का। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह आपकी तकदीर का सितारा जगाए। जिस तरह नबी के नाम पे यहाँ बैठे हैं जन्नत में नबी के साथ इस तरह बैठना नसीब हो जाए इंशाल्लाह। फकीर के दिल की गुनहगार बहुत हूँ, बदकार बहुत हूँ, लेकिन निस्बत की वजह से दुआ कर रहा हूँ कि खुदा उस बारगाहे अर्श मकाम के साथ बैठना नसीब करे, नसीब करे। कौन है आप? का मैं ही तो मोहम्मद हूँ। आप ही मोहम्मद हैं, क्या पढ़ रहे थे? का ये अल्लाह का कलाम है। वो का आप किस चीज़ की दावत देते हैं? का नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत थी, ईमान के बाद आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे मौलाना नमाज नहीं पढ़ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूँ। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप, बल्कि यहाँ तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहाँ तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पर लानत बरसती आसमान। फरमाया बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है गरीब है उसको ज़कात तक न दो, यहाँ तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों अल्लाह के बंदो कुछ डरो खौफ करो, ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आँख खुलेगी, जलसे का जहाँ और है, क़यामत का जहाँ और है। हाँ शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सपर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया का कितनी अच्छी तालीम है आपकी, तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी, तो फरमाया यही तालीम है। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था आपके खिलाफ बहकाता था, उसने कहा कि उसकी अपनी बात है लेकिन मेरी बात ही, कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी, ले जा इसके रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बरस का निशान आ गया,
तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय, हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते हैं किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करें वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग्स पैदा हो सकते। सूफिया का कौल हदीस में नहीं है। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया हूँ, ऐसा जुल्म ना करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे कयामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, और निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह हू अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं। हाय हाय, हाँ ये मेरे नबी का मौजजा है। ऐसे खूबसूरत हैं, हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने का। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। तुफैल के जरिए, यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हजरत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले, हो सकता है हमें कोई ना जाने लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हजरत तुफैल की कोशिशों से उनका जहन बना, बहरहाल ये अलग उनवान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है हर बात प्यारी, फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ। आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान, कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ। कुरान से मदीना फतेह हुआ, मक्का तलवार से। हालांकि तलवार चली नहीं लेकिन बहरहाल तलवार का खौफ था उन लोगों को। अल्लाह अकबर फरमाते हैं लेकिन मदीना कुरान से फतेह हुआ। पता चला कुरान फातेह, तलवार से बड़ा काम कुरान करता है। कुरान के करीब करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, लोगों को कुरान के करीब लाओ। लेकिन खुद ही कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या कुरान सुनाओगे। तो आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पकड़ लो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अगर कयामत तक जिंदा रहना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। इसलिए कि आज अगर हुसैन घर घर हैं, हुसैन हर जगह हैं, हुसैन नगर नगर है, हुसैन नगर नगर है, हुसैन जबान जबान है, हुसैन दिल दिल है, तो लोग जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते। मेरे हुसैन ने तो सुनाया और बता दिया मेरे गले का ताल्लुक जिस्म से कट चुका है लेकिन अब भी मेरा ताल्लुक कुरान से खत्म नहीं हुआ है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इत्रती आलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे। फरमाया जुदा नहीं होंगे ये दोनों, ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई। अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सहाबा को गालियां दो। हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना। इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबे अहल
पहले बैच से मोहब्बत करो। मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूँ, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रख, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वे दर्जे के बराबर भी बेअदबी ना करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी हैं। इसलिए बेअदबी नहीं करना। आपको मेरी तरफ से गुजारे, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसको उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के अस्हाबे पाक क्या बात है। इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को यह भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा? इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत में इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत में इजाजत दी है, क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब बेहुजूर नचम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदतें उभरने लगी, बिदतें रिवाज पाने लगी, और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे, इस्लाम के गद्दार, और महफिल में वफादार और गद्दार सब आते, तो हम वफादार और गद्दार में फर्क करने के लिए कि छांटे कैसे वफादारों को और गद्दारों को, तो सहाबा कहते कि जब वफादार और गद्दार में फर्क करना होता तो हम अली 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 करने लगते, अली का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा चमक जाता समझ जाते वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते गद्दार है। जिक्र सहाबा भी होगा पूरी दयानतदारी के साथ, नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, नारा भी लगेगा नारे तहकीक हक चार यार, और साथ में नारे हैदरी भी लगेगा ताकि वफादारों में और गद्दारों में फर्क हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को अहले बैत से वाबस्ता करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ। आखिरी बात जो करनी थी वो ये, अहले बैत की मोहब्बत का सिला बड़ा बेहतरीन है। क्या मिलना है? हाँ, इमाम अबू यूसुफ, इमाम यूसुफ नभानी फरमाते हैं, लिखते हैं वो, के तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग नाम सुना है? हाँ, तैमूर लंग। अच्छे भी के बुरे, बादशाहों का हाल यही था, अच्छे भी करते थे बुरे, किसी बादशाह की तायद नहीं कर सकते। जैसे हम सियासी लीडरों की कुछ मुकम्मल तायद नहीं कर सकते ना, वैसे उनकी भी कोई अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, हम किसके जिम्मेदार है, उसके अमल का वो जिम्मेदार। हाँ, तैमूर ने भी अच्छा भी किया बुरा भी किया, इसलिए कहता हूँ बादशाहों के लिए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें।
बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें बादशाहों को, हाँ बादशाहों को बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें, एहतियात से अच्छा भी किया बुरा भी किया सब ने इल्ला माशाल्लाह, चंद है उंगलियों पे गिनोगे बस उतने। तो तैमूर अच्छा आदमी था लेकिन कुछ बुरा भी किया था उसने, और दोस्त तो आदमी को ज्यादा जानता है। तैमूर का इंतकाल हो गया, तैमूर लंका नहीं, तवज्जो शहदाब की सर्दी, हाँ सर्दी गालिब ना आ जाए क्योंकि आकाओं का जिक्र हो रहा है ना, हाय 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 उनका जिक्र हो रहा है, खुदा की इज्जत की कसम जिनका जिक्र मुकद्दर बदल देता है, तकदीर बदलता है, और उनकी शान देखो बयान हो ही नहीं सकती। हाँ क्यों नहीं हो सकती बताए, खूने रसूल है ना, खूने रसूल है और नबी के खमीर से बने, आप और हम पता नहीं काय काय से बने हैं लेकिन नबी के खमीर से आले रसूल बने। हाँ नबी के खमीर से आले रसूल, बेदम यही तो पांच है, क्या बात है। हाँ इनकी मुकम्मल तारीफ कहा कदा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, खून रसूल खमीर रसूल है, मेरे इमाम कहते हैं खून खैर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, आब तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम, पार हाय सूफ अगर उर्दू जानते हो यूपी वाले तो अल्लाह की कसम तवज्जो करें, बड़े मुशायरे सुने होंगे, पार हाय सुहूफ गुंचा हाय कुदुस, जो कहे ना कि अहले बैत का जिक्र राफजी बनाता है उनसे कहना इसका मतलब बता। हाँ पार हाय सुहूफ गुंचा हाय कुदुस, और यहां उनको भी जवाब है जो कहते हैं सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते, मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, और सुन्नी जिस तरह खिल खिल के करता है उस किसी के बाप में क्या हिम्मत है करने की। सीना पीटने वालों की 300 साल किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के ये दो मिसरे एक तरफ, लेकिन हम गुलू नहीं करते, पार आए सुहूफ। मैं तजरी नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वरना करता और खूब करता क्योंकि तालिबे इल्म हूं। पार आए सुहूफ उलमा से रुजू करना ना ताकि आप आए जाए भी तो इनके पास, पार आए सुहूफ गुंचाए कुदूस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की, फिर इसमें जाने अहमद की, जाने अहमद से मुराद रसूलुल्लाह की जान, इस पर तो बोलूंगा जरूर, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो रसूल जो सबकी जानों की राहत है, मेरे इमाम ने उस नबी की जान की राहत जिसको कहा है वो हुसैन और हसन की प्यारी अम्मी जान, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया आलिमा गैरे मौलिमा उम्मे अबीहा मलका फिरदौस से बरी खातून कयामत खातून जन्नत सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद को कहा जान अहमद की राहत पे लाखों से। कौन कहता है कि मसलक के आला हजरत वाले अहले बैत बयान नहीं करते हैं, आला हजरत ने कहा ना जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत, क्या बात है मेरे इमाम तेरी, तू दिए अस्फहान सुन कलामे रजा बेसबा 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 ऐ रजा जाने अलादिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले भागे मदीना, तेरा कहना क्या, हमने कहा फजाइले अहले बैत और सहाबा बयान करने के लिए हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं, जैसे हमारे लिए क्या बात, जैसे हमारे लिए फतावा रजविया फिकही मसाइल और हदीस में रहनुमाई करता है वही फतावा रजविया तो सहाबा और अहले बैत में भी रहनुमाई कर रहा है, लेकिन कोई पढ़े
आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिर जाने अहमद की क्या कहें और क्या न कहें। भाई मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, बस इतना कह दूँ एक बात आपको कहूँ, जब कोई बात नहीं बनती बयान करने में तो आदमी का आखिरी जुमला क्या बोलता है, क्या बोलता है आखिरी जुमला बताए, क्या बोलता है आप, क्या क्या बोलते हैं आप, क्या क्या बोलते नहीं पता। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं खाना कैसा बना, क्या पूछते हैं, अरे क्या बात है यार, मतलब सारी लुगत खत्म है। ये लोग भी कह रहे क्या बात है भाई, जब बात मुकम्मल बयान नहीं हो सकती और आदमी थक जाता है तो सब कुछ बोलने के लिए क्या कहता है, क्या खाना कैसा बना, क्या बात है मेरा बच्चा कैसा लगा, अरे क्या बात है बच्ची देखने गए थे रिश्ते के लिए कैसी लगी, क्या बात, ताजमहल देखा कैसा लगा, क्या बात है। एक सवात उलूम और फुनून का माहिर मुजद्दीद पानी पे कलम उठाता है तो पानी को पानी पिला देता है, मिट्टी पे कलम उठाता है तो मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है, फलकियात की बात करता है तो उलूम में फलकियात के माहिरीन तिफले मकतब नजर आते हैं, और जब हदाय के बख्शिश लिखता है तो गालिब और इकबाल का फन हैरत से उस आशिक के कलम को देखता नजर आता है, और दाग दैलवी कहते नजर आते मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, लेकिन वो हर चीज की बाल की खाल बयान करने वाला फकीर मुजद्दिद मुतकल्लिम मुफस्सिर दाई मुदब्बिर मुफक्किर सूफी अल्लाह अकबर अपने जमाने का सरमद हसानुल हिंद बिलाल हिंद, या हर बात खुल खुल कर कह दे, हर बात खुल खुल कर कह दे। लेकिन जब नबी की अहले बैत की बात आती है तो फिर वो भी कहता है क्या बात रजा, लोग कहते हैं इतना चिल्लाया ना कर मर जाएगा, मैंने कहा यही तो चाहता हूं कि जिक्र करते करते वो मकाम आ जाए कि उनका जिक्र जबान पर और मेरी रूह निकल जाए, क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैंने कहा किसकी, तो कहते उस चमनिस्तान करम की, चमनिस्तान की नहीं, तुम्हारी अक्ल पे छोड़ के जा रहा हूं, अगले जलसे तक सोचते रहना अहले बैत है किस चीज का नाम, क्या बात रसा, क्या बात रसा, उस चमनिस्तान करम की। एक बात दर्ज करूं, ये बात मक्के में ही क्यों गई, मुझे ऐसा लगता है कोई नासबी अगर कोई और शेर होता कहता ये आला हज़रत का नहीं है तो अपने नाम के साथ बयान किया कि मेरा ही है। क्या बात रजा, अपने नाम के साथ कह दिया मेरा ही है। बहुत से शेर इकबाल के आए ना भाई, इकबाल का नहीं है वो कहते हैं ना बा मुस्तफा बा रसा खैशरा के दी, कुछ लोग कहते हैं इकबाल का नहीं है, हम कहते कि यहाँ इकबाल ने अपना नाम नहीं लिया, इमाम अहमद रजा बड़े दाना और मुदब्बिर थे, नाम के साथ बता रहे हैं मेरा ही कलाम है। अहले बैत का सच्चा वफादार अहमद रजा, अहले बैत की चौखट का अजीम मुहाफिज अहमद रजा, अरे 14वीं सदी के सैयद की पालकी को जो कांधा दे वो 900 साल के पहले सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का कितना वफादार होगा, वो शाह बरकतुल्ला की चौखट में, शाह बरकतुल्ला की गलियों में नंगे पैर चलने वाला मेरा इमाम, बगदाद की गलियों में जाते तो कुछ एहतराम से चलते नजर आते और कहते मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में वो भी तो देता रहूं पैरा तेरा, डायरेक्ट गुलाम भी नहीं कहते, गौस पाक का डायरेक्ट गुलामी कहते तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। जो सैयदा के बेटे का इतना एहतराम करता हो वो सैयदा का कितना एहतराम करता होगा, वो हसनैन करीमैन का कितना एहतराम करता हो, कहते क्या बात रजा, मेरे इमाम किसकी, वह उस चमनिस्ताने करम की। चमनिस्तान नहीं, चमनिस्ताने करम, कौन सा चमनिस्ताने करम,
नबी का चमन स्थान है करम। अब करम का चमन स्थान देखने के लिए कुछ देखना भी तो पड़ेगा ना। तवज्जो करे, क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो, ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये तो आपके ईमान पे छोड़ा है। क्या बात रजा, क्या बात।